हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्टिस्ट पवन बर्नवाल और आप देख रहे हैं माय चैनल आर्ट मैजिक। हेलो दोस्तों, आज आपको गिलहरी बनाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ गिलहरी का चित्र बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ अंक लिखना है। तो अंक में क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो दोस्तों इस तरह आप क्या करें, 3 लिख लेंगे। 3 लिखने के बाद क्या करना है इसके बाद, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से धीरे धीरे इस लाइन को आगे बढ़ाना है। दोस्तों लाइन बढ़ाने के बाद इसको, इसी लाइन को डबल करते हुए आपको यहाँ तक ले आना है। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गिलहरी का हैंड बनाना है। इस तरह से बना लीजिए, ये बन गया उसका हैंड। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, आपको फेस बनाएंगे गिलहरी का। तो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा ये कट करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ नोज बना लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। दोस्तों ये लेने के बाद यहाँ पे गिलहरी का जो कान जो है यहाँ आप बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आईज बनाएंगे, सर दूसरा कान भी ऐसे ही आप बना लेंगे। तो दोस्तों ये गिलहरी का जो फेस है बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे आपको लाइन खींचना है 3, ऐसे बाहर भी खींचना है 3। दोस्तों यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ठीक इस लाइन के ठीक नीचे वाली लाइन को आपको आगे तक ले जाना है। यहाँ से ठीक ऐसे इस तरफ ले जाइए और यहाँ आपको रुक जाना है। दोस्तों इस लाइन के बाद ये वाली थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ से नीचे की तरफ लाना है और इसका पैर बनाना है। इस तरह आप उल्टा सी बनाएंगे और नीचे तक आप ले जाएंगे, और ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा एल यहाँ बनाना है और इसको मोड़ देना है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पर टच कर देना है। दोस्तों यहाँ से आप इस लाइन को सीधा नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे और ये वाली लाइन को ऐसे आप यहाँ जाकर इस लाइन में टच कर। दोस्तों ये उसके बाद ये पैर का जो है इसको पूरा करेंगे और इस वाली लाइन में टच करेंगे। फिर इस पहले दूसरा पैर इसी तरह बनाएंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा इस तरह आपको नीचे ले जाना है और फिर इसके बाद ये जो पैर है यहाँ पर आपको बना लेनी है। दूसरा हाथ भी ऐसे ही आप हाथ में कुछ अखरोट की तरह बना लीजिए, क्योंकि गिलहरी को अखरोट बहुत पसंद होता है, और ये जो हाथ है इसको आप इस तरह बना लीजिए। दोस्तों ये बन गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी पूंछ बनाने। दोस्तों इस तरह थोड़ा थोड़ा हेयर की तरह आपको बनाना है और पीछे ले जाना है, और फिर इस तरह आपको धीरे धीरे आपको इस तरह आपको हेयर दिखाना है। इस तरह आप हेयर दिखाएंगे, क्योंकि गिलहरी के जो हेयर होते हैं सिर्फ ब्रश बनाए जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। दोस्तों ये इस तरह आप पूरी ऐसे हेयर बनाते जाएंगे। अब ये क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लाइन आपको बनानी है, क्योंकि गिलहरी की जो बॉडी पर इस तरह की लाइनें आप बनी होती है। दोस्तों ये इस तरह आपको सीधा नीचे की तरफ लाना है और यहाँ आपको मिला लेनी है। दोस्तों इस तरह धारियां
की बॉडी पे बनाना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये गिलहरी बहुत आसानी से बन चुका है। अब यहाँ पे कुछ अखरोट आपको दिखाने हैं, पिक्चर और भी अच्छा और सुंदर लगे। और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे पत्थर आपको दिखा देनी है ताकि कलर करेंगे फिर और भी अच्छा लगे। यहाँ ग्रास दिखानी है और यहाँ आपको इसके पीछे वाले हिस्से पे ट्री दिखानी है, क्योंकि गिलहरियाँ अक्सर पेड़ों पे रहती हैं। इस तरह आपको ट्री जो है दिखानी है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पत्तियाँ आपको बनानी है। ग्रास बनाना है धीरे धीरे ये पूरा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये गिलहरी का ये चित्र आपके सामने बन चुका है। दोस्तों आइए इस ड्राइंग को हम कलर करते हैं, तो चलिए हमारे साथ कलर करते हैं। दोस्तों गिलहरी की यह ड्राइंग बन चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी यह ड्राइंग हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर